ठीक है। मार्केट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। सबसे पहले एक बार मार्केट की डेफिनेशन बोल देते हैं फिर से। मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है? अ प्लेस वेयर बायर मीट सेलर्स, है ना। इतने दुख में क्यों बायर और सेलर आपस में मीट कर रहे हैं? ठीक है, अ प्लेस वेयर बायर मीट सेलर्स, जहां बायर और सेलर आपस में क्या करते हैं? मीट करते हैं और ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट। मुझे आम वर्ल्ड में जो तुमने देखा है, रियल वर्ल्ड, कोई मार्केट का एग्जाम्पल दे सकते हो तुम? कहां कहां मार्केट देखा? सब्जी मार्केट देखा है, और कौन सा मार्केट होता है? हाँ, गंजीपुरा मार्केट होता है, क्या बात समझ में आ रही है ना? सस्ता सरोजनी, है ना। और क्या स्टॉक मार्केट होता है? वेरी गुड, ठीक है, इनोवेटिव स्टॉक मार्केट। सराफा बाजार मार्केट है, खोआ मंडी मार्केट है। हाँ, अब देखो खोआ मंडी में सिर्फ खोआ मिलेगा, सराफा में क्या मिलेगा? ज्वेलरी, गोल्ड, सोना, ये सब मिलेगा, ठीक है। और वहीं तुम अगर सब्जी मंडी में चले जाओ, क्या मिलेगा? सब्जी मिलेगी, अच्छा। लेकिन अगर तुम बिग बाजार चले जाओ तो सब मिलेगा। हाँ, तो वैसे ही होता है कि अलग अलग प्रकार के मार्केट होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। एक मार्केट होता है, दो कैटेगरी है मेन, एक कैटेगरी है परफेक्ट कंपटीशन। एक क्या कहलाता है बेटा? परफेक्ट कंपटीशन, हाँ बोलो। और दूसरा क्या कहलाता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक क्या कहलाता है? परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा क्या कहलाता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या फर्क होता है दोनों बताओ? परफेक्ट कंपटीशन ना एक इमेजिनरी मार्केट है। कैसा मार्केट है? इमेजिनरी मार्केट बोले तो, अगर सपनों की दुनिया में सोचें, काय में सोचें? सपनों की दुनिया में, कि कैसा मार्केट होना चाहिए, क्या क्या होगा मार्केट में, क्या क्या नहीं होगा, कैसा होगा, ये होगा, वो होगा। अगर एक परफेक्ट मार्केट बनाया जाए, क्या बनाया जाए? एक परफेक्ट मार्केट, तो वो जो मार्केट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या दुनिया में कोई परफेक्ट चीज एग्जिस्ट करती है? अरे करती है नहीं, सपनों का राजा राजकुमार घोड़े में आता है, वो सिर्फ सपनों में ही आता है, रियल वर्ल्ड में तो बेटा फटीचर हालात में ही आता है, बोलो है नहीं। तो ये सब क्या है बेटा? वैसी इमेजिनरी है वो सारी कहानी, है ना। उसी हिसाब से मार्केट का परफेक्ट होना भी क्या है बेटा? इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर कौन कौन से मार्केट आ जाते हैं? सुना है कौन कौन से आते हैं? पहला क्या होता है इम्परफेक्ट मार्केट में? कौन कौन से आते हैं? एक आता है मोनोपोली। ये क्या आता है? मोनोपोली। दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक। क्या आता है? मोनोपोलिस्टिक। तीसरा आता है ओलिगोपोली। कितना आता है? ओलिगो, चलो तीन ही रखते हैं, इसमें तीन ही है। कौन कौन से? मोनोपोली, हमें कौन कौन से है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट आता है उसका नाम ही क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। उसका नाम ही क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। नहीं आया कि आया, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट का नाम है परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट के अंदर आते हैं तीन मार्केट। कितने मार्केट आते हैं? तीन। एक आता है मोनोपोली, एक आता है मोनोपोलिस्टिक और एक आता है ओलिगोपोली। किसी ने पढ़ा हुआ है पहले परफेक्ट कंपटीशन? बताओ, याद है किसी कुछ क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन? बताओ, बचपन में पढ़ा हुआ 11वीं कक्षा में? हाँ, और क्या? हाँ, नहीं पता, चलो आओ देखते हैं। किसी को नहीं याद है यार, क्या पढ़े हो तुम लोग? परफेक्ट कंपटीशन में तुमने क्या क्या पढ़ा है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्या क्या क्या? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहां पे बहुत सारे क्या है? बायर्स और सेलर्स हैं। क्या है? बायर्स और सेलर्स हैं। और वो कैसे गुड्स बेच रहे हैं आपस में? होमोजीनियस। कैसे बेच रहे हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? क्या होता है? एक जैसे, मतलब एक दुकानदार ए बी सी डी 10 दुकानें हैं और सबके पास माल क्या है? सेम। ए के, बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के, किसी के भी माल में कोई फर्क नहीं है। क्या रियल वर्ल्ड में कोई ऐसा मार्केट देखा है जहां हर दुकानदार का माल सेम हो? देखा है? बहुत रेयर ही देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल अगर सोचने को जाए तो क्या होगा बताओ? परफेक्ट कॉम्पिटिशन एकदम। कोई सोच सकते हो? क्रैकर्स की जो शॉप लगती है, क्या उसमें अलग अलग हर दुकानदार अलग अलग ब्रांड के क्रैकर्स नहीं बेच रहा होता है? क्या हर क्रैकर वाला ये नहीं बोल रहा होता है कि ये इस कंपनी का अच्छा है, ये उस कंपनी का अच्छा है, इसमें ये चीजें ऐसी निकलेंगी, वो चीजें वैसी निकलेंगी, अलग अलग बता रहे होते ना सब लोग? नहीं है ये सही एग्जाम्पल? और सोचो। हाँ, ज्वेलरी अलग अलग रहती है, सबकी अलग अलग डिजाइन होती है, सबके अलग अलग रेट्स होते हैं, सबके मेकिंग चार्जेस अलग अलग होते हैं। कि एक गोल्ड ज्वेलरी में एक कुछ पीस कुछ और डिजाइन का होगा, दूसरे में कहीं पे डिजाइन अच्छी है, कहीं पे डिजाइन अलग है, ये भी नहीं है। मेडिसिन, मेडिसिन में भी अलग अलग ब्रांड आते हैं,
भैया सिप्ला कंपनी का है, नहीं सिप्ला नहीं तो मैनकाइंड का है, तो नहीं तो इसका है, नहीं तो उसका है, कि बस सब लोग अलग अलग कंपनी का बेच रहे हैं। हमारी कंपनी अच्छी बोलो हाँ या नहीं। मैं एग्जाम्पल दू, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, किसका बेटा तुम्हारा एग, हर क्या एग का कोई ब्रांड होता है? अरे एग का कोई ब्रांड होता है क्या? कोई कंपनी होती है मुर्गी का तो मुर्गी का ही है, बोलो हाँ या नहीं। और हर दुकानदार में क्या मिल, हर दुकान क्या बेच रहा है सेम? क्या बात सुन में, ये भी एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है कि आजकल तो ब्रांड आने लगे हैं एग्स के लिए भी, क्या बात सुन मेरी। लेकिन स्टिल परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जैक्टली होमोजीनियस प्रोडक्ट वैसे तो मिलना मुश्किल है। रॉ गोल्ड, क्या रॉ गोल्ड खरीदते हो तुम? सुन रहे हो, अगर रॉ गोल्ड खरीदते हो, सोने का सिक्का खरीदते हो, सोने की बिस्किट खरीदते हो, हर तो बोलता है भैया वो एकदम मापदंड है 24 कैरेट सोना, क्या बात समझ में आ रही है? सबके यहाँ 24 कैरेट सोना कितना होगा? 24 कैरेट सोना होगा। सिर्फ रॉ गोल्ड की बात हो रही है, ज्वेलरी की नहीं। हाँ या ना बोलो, नहीं आया। और साथ में क्या होगा मुझे बताओ, गोल्ड एक दुकान में अलग, दूसरी दुकान में अलग, की सब जगह सेम मिलेगा? सोने का प्राइस सब जगह क्या रहता है? सेम। वो कैसे गुड्स बेच रहे हैं आपस में? होमोजीनियस। कैसा बेच रहे हैं? होमोजीन। अरे सुन लो, कैसा बेच रहे हैं? होमोजीनियस। जहां सब जगह रेट क्या है बेटा तुम्हारे? परफेक्टली सेम है। क्या है? परफेक्टली सेम है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। सेलिंग कैसे गुड्स? सेलिंग कैसे गुड्स? होमोजीनियस गुड्स विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्या मतलब है? कोई भी कभी भी धंधे को चालू कर सकता है और कोई भी धंधे को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। अच्छा, और मजे की बात, यहां पे प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट। एक दुकानदार, दो दुकानदार, तीन दुकानदार, चार दुकानदार, सब लोग एक क्या करने वाले हैं? एक ही रेट में बेचने वाले हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है बोलो? लार्ज नंबर ऑफ डेड बॉडीज, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेलिंग कौन से गुड्स? होमोजीनियस गुड्स विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है क्या? अच्छा, मजे की बात क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। क्या है? परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है? सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है। आप किसी ग्राहक को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप कोई महंगा नहीं बेच सकते। जिस रेट में पड़ोसी बेच रहा है उसी रेट में बेचोगे, क्योंकि क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। आप महंगा नहीं बेच सकते। क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है? नहीं। कोई ना कोई बेवकूफ तो दुनिया में रहता ही है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अरे डेड बॉडीज क्या क्या है बोलो? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेलिंग होमोजीनियस गुड्स विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड हैविंग परफेक्ट नॉलेज। Having perfect knowledge, क्या बात समझ में आ रही है? इसमें price क्या रहता है? सबका same। Price क्या रहता है? सबका same and constant, same and constant। बढ़ता घटता नहीं है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले पैराग्राफ को आप रीड करें और मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है। सॉरी, अच्छा इसके एक दो पॉइंट और बताऊं। इनने और इसमें एक दो पॉइंट अजीब अजीब से डाले। क्या डाले? बोले एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या क्या क्या? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाड़ा आड़ा कुछ नहीं लगता, क्योंकि लोगों ने बोला प्राइस कैसे सेम रहेगा। चलो ठीक है, क्वांटिटी सेम है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन दिल्ली में चीज सस्ती मिलती है, जबलपुर में महंगी मिलती है, क्योंकि दिल्ली से आती है, यहां पे आने में भाड़ा लगता है। बोलो हाँ नहीं, इनको प्राइस कॉन्सेंट रखना था, इनने और अजम्पशन लगा दिया। क्या? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और तो और बोल दिया एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग। सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मतलब कि जब सबके दुकानदार को चीजें क्या है? सेम, होमोजीनियस। कोई क्या बोलेगा? मेरा अंडा ज्यादा गोल है, ऐसा थोड़ी बोल सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? परफेक्ट नॉलेज है। कोई आप बेकू बना सकते नहीं हो, एडवर्टीजमेंट करने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सबके गुड्स क्या है? आपस में होमोजीनियस। हाँ या नहीं? तो पॉइंट्स बोलो क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, सेलिंग होमोजीनियस गुड्स विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। पांचवा, प्राइस इज कॉन्स्टेंट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। हाँ या नहीं? इतनी बातें इन लोगों ने बुक में नहीं लिखी होंगी, एक बार रीड करो कितनी लिखी हुई है, और बाजू में पेंसिल से अपनी लिस्ट बना लो क्या क्या है, क्या क्या। अच्छा, बुक तो तुम्हारे पास आई नहीं ना। देख रहा है इसमें, रीड कर पाओगे? इसमें रीड कर पाओगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन? रीड करके देखो, मैं 2 मिनट में आया ना।
और एक चलिए कॉपी में नोट कर लो सारी
इमरजेंसी नंबर में कॉल लग रहा है खुद ही खुद ही। तुम्हारे पापा पापा फोन तो नहीं चले जाएगा कि इमरजेंसी हो गई है कुछ, बेचारे आ जाए। हाँ बेटा अब बताओ यार थोड़ा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा आपने, क्या लिखा हुआ है? होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, प्राइस कांस्टेंट होता है, उनके पास परफेक्ट नॉलेज होता है, उनके पास फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। हाँ इनकी खुद की कोई प्राइस नहीं होती है, ये क्या होते हैं? प्राइस टेकर। ये क्या होते हैं? प्राइस टेकर, अंडरटेकर के बेटे हैं ये, प्राइस टेकर के। बस सन में यार ये देखो एक बार रीड करता हूं फिर आगे का बताऊंगा जो बुक में नहीं दिया हुआ है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आ जा। हाँ इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर देर इज अ लार्जर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऑल द सेलर्स इन द मार्केट आर सेलिंग इन द कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर, आर स्मॉल सेलर्स इन कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर, देर इज नो वन बिग सेलर विथ एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द मार्केट, सो ऑल द फर्म्स इन सच मार्केट आर प्राइस टेकर्स। ये क्या होते हैं? प्राइस टेकर्स होते हैं, बहुत सारी बायर्स एंड सेलर्स हैं, किसी भी एक का कोई मेजर रोल नहीं है, तो अकेले कोई भी दाम तय नहीं कर सकता। ये वाला पॉइंट अभी समझाऊंगा आगे चल के। देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हेन डिस्कसिंग परफेक्ट कंपटीशन, देयर इज द रीजन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज प्रीटी मच थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि इमेजिनरी। द अजम्पशंस आर एज फॉलोस, द प्रोडक्ट इन द मार्केट आर होमोजीनियस, ऑल द फर्म्स आर मोटिव फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, there are no barriers and there is no concept of consumer preference, consumer की कोई preference नहीं है, हर जगह पे चीज क्या मिलेगी? same मिलेगी, हाँ या ना बोलो। नहीं आया? अब मुझे बताओ एक चीज, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, firm में और industry में क्या फर्क है? firm छोटी होती industry बड़ी होती है। और बताओ 12वीं तक पढ़ के आए तुम लोग, कॉमर्स वॉमर्स के बच्चे हो, बताओ जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इंडस्ट्री होती है, तो फर्म क्या होती है? ये तो परफेक्ट कंपटीशन में ठीक है, सही बोलो, लेकिन मतलब क्या होता है फर्म और इंडस्ट्री का? अच्छा क्या मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं होती है? अभी वो बताओ इंडस्ट्री कुछ नहीं होती है, सारी फर्म्स को मिला के, सारी छोटी छोटी फर्म्स को मिला के एक नाम अगर बोला जाता है तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में अपने आप में कुछ नहीं, कोई नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, मोबाइल की कंपनियों के नाम बताओ क्या है, चलो सॉरी सिम की कंपनियों के नाम बताओ जो सिम बेचती है यार, वो कौन कौन सी, कौन है? जियो, एयरटेल, BSNL, VI, हाँ यही कंपनी है, बोलो हाँ या नहीं? ये टेलीकॉम फर्म्स है, ये क्या है? टेलीकॉम फर्म्स है, टेलीकॉम कंपनीज। इन सबको मिला के एक नाम दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? टेलीकॉम इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा? टेलीकॉम इंडस्ट्री। जब सारी फर्म्स को मिला के एक शब्द में बोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? बोलते ना आईटी इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है, आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ है, मतलब किसी एक आईटी के अंदर कौन कौन सी कंपनी आ जाएगी? टेक महिंद्रा आ जाएगी, TCS आ जाएगी, विप्रो आ जाएगी, ये सब आईटी कंपनीज है। ये सब कौन सी है बेटा? आईटी कंपनीज। अब बोल रहे आईटी इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है, मतलब सारी इंडिविजुअल कंपनियां क्या कर रही हैं? अच्छा कर रही है, हाँ या ना? फटाफट बोलो, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सारी फर्म्स को मिला के अगर एक बहुवचन में एक वर्ड बोलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। अपने आप में कोई एक इंडस्ट्री है क्या? नहीं। लेकिन हमने सुना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सुना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? उसके अंदर उसकी जितनी छोटी छोटी कंपनियां, जितनी छोटी छोटी फर्म्स है, सबको मिला के एक नाम दे दिया गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ या ना? फटाफट बोलो। आमतौर पर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स, हाँ या नहीं? अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है? सिंगल सेलर है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है? अरे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। 1000 फॉर्म्स है, 1000 दुकानें हैं, से सुनो सब मिलके बेच रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इन सबको मिला के एक वर्ड बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। ये 1000 दुकानों में कोई भी एक बड़ी दुकान नहीं है, किसी का भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है, सब छोटे छोटे प्लेयर हैं, आपस में कंपीट कर रहे हैं, कोई बड़ा राजा
नहीं है। हाँ या ना फटाफट बोलो। जब ऐसा होता है तो ये अकेले दाम तय करने की ताकत नहीं रखते। दाम कौन तय करता है? इंडस्ट्री। दाम कौन तय करता है? इंडस्ट्री। सुन रहे हो? इंडस्ट्री तय करती है, मतलब सारी फर्म मिलके, सारी फर्म्स मिलके एक दाम आया है और वो दाम सारी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। आप अकेले कोई दाम नहीं रख सकते हो। हाँ ना फटाफट बोलो। जैसे सुनो, तुमने सुना होगा ऑटो यूनियन होता है। क्या होता है? ऑटो यूनियन। खूब सारे ऑटोस हैं, उनका सबको क्या है? ऑटो यूनियन है। अब उन लोग मिलकर एक दाम तय कर देंगे, यहां से यहां तक का इतना लेना है। अब तुम अकेले ज्यादा दाम या कम दाम ले सकते नहीं हो, नहीं तो सब लोग कम कम दाम में लेने को जाएंगे तो उनका प्रॉफिट बढ़ता है। हाँ या नहीं? तो इसलिए सबने रेट बना दिया, आपस में तय कर दिया है। आई गई वर्ष में वैसे ही दाम कौन तय करता है? इंडस्ट्री। कौन तय करता है? इंडस्ट्री। और उसको अपनाता कौन है? सारी इंडिविजुअल फर्म्स। नहीं आया कि आया? फॉर एग्जाम्पल ये है इंडस्ट्री की डिमांड, ये क्या है? इंडस्ट्री की डिमांड। और ये क्या है? इंडस्ट्री की सप्लाई। यानी सारी फर्म्स मिलके इतना बेच, इतनी डिमांड है और इतना बेच पाएंगे। तो ये होगी प्राइस और ये होगी क्वांटिटी, ये होगी प्राइस और ये होगी क्वांटिटी। अब ये जो दाम तय हुआ है, इसी दाम में क्या करेंगे? इसी दाम में सारे लोग बेचेंगे। फर्म ए बी सी तीनों का प्राइस क्या रहेगा? सेम। तीनों का प्राइस क्या रहेगा? सेम। तो प्राइस मेकर कौन है? अरे प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री। और इंडिविजुअल फर्म क्या है बेटा? प्राइस टेकर। इंडिविजुअल प्राइस फर्म क्या है बेटा? प्राइस टेकर। तो वो कौन है? प्राइस मेकर। और ये कौन है? प्राइस टेकर। इसको बोलते हैं हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हाँ यानी फटाफट बोलो। मैं चाहता हूं आप एक जगह पे लिख लें, आपको कल तक नोट्स मिल जाएंगे, तो कल आप इसको प्रॉपर बुक में नोट कर लेंगे बाजू में ही। क्या क्या पढ़ा हमने? परफेक्ट कॉम्पिटिशन बताओ। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होमोजीनियस गुड्स विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है क्या? ठीक है क्या? फिर क्या बोलते हैं? प्राइस इज कॉन्स्टेंट। और ये क्या होता है? प्राइस टेकर। ये क्या होता है? प्राइस टेकर। प्राइस तय कौन करता है? इंडस्ट्री। और ये लोग प्राइस उठा लेते हैं। ये इंडस्ट्री की डिमांड है, ये इंडस्ट्री की डिमांड है, ये सप्लाई है, ये जो प्राइस तय हुआ है यही प्राइस सारी इंडिविजुअल फर्म्स रखेंगी। हाँ या ना फटाफट बोलो। इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आर यू ऑल देयर? हाँ या ना बताओ। नहीं आया? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का मतलब? जो हम देखते हैं अपनी दुकान पर, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होंगे। कैसे प्रोडक्ट्स होंगे? डिफरेंशिएटेड। कैसे प्रोडक्ट्स होंगे? सुन रहे हो? डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सब अपने अपने प्रोडक्ट के, सुन रहे हो, सब अपने अपने प्रोडक्ट के अलग अलग क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। क्या बताते हैं? अलग अलग गुण, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग प्रेफरेंस। जैसे एक आता है बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में नमक है, तो दूसरा बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में लौंग इलायची है, तीसरा बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में बबूल है, फिर चौथा बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में हल्दी मिर्ची है। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या है, हर कोई अपने अपने टूथपेस्ट की कुछ ना कुछ क्या बता रहा है? खासियत बता रहा है। हाँ या नहीं? साबुन देखते हो, साबुन क्या बोलता है? मेरे टूथपेस्ट में चांदी है। मैं बोलता हूँ चांदी वाले साबुन से ना हो, ठीक है क्या? फिर बोलता हूँ माँ ने डेटॉल का धुला, मतलब अगर तुम्हारी माँ डेटॉल का नहीं मानती तो सही माँ नहीं है बेटा। क्या बना? डेटॉल का मानना कंपलसरी है, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है क्या? तो इन लोग क्या है, अलग अलग करके क्या करते हैं, जैसे थम्स अप टेस्ट द थंडर, ठीक है, सो होते हुए हो, फिर थम्स अप पियो, क्या मजा आएगा तुमको? क्या बोलते पहाड़ से कूद के आओ, तो ऐसे लेके खरीदने मजा नहीं है, थम्स अप पिया था पीले पीले, ठीक है क्या? तो बेसिकली क्या है, सुन रहे हो? तो बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें आप तय कर सकते नहीं हो। मतलब ये सब क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग खासियत बता रहे हैं इन लोग कि हमारा प्रोडक्ट इसलिए खास है, हम इसलिए खरीदे। हम सामने वाले से अलग है, हमारी पैकेजिंग अलग है, टेस्ट अलग है, कलर अलग है, प्रेफरेंस अलग है, ब्रांडिंग अलग है, नाम अलग है, अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने की हम कोशिश करते हैं। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? है ना? क्लोजअप उजअप करो तो बढ़िया, ट्रैफिक में भी तुम उदास नहीं रहोगे, नाचते रहोगे ट्रैफिक में। क्या बात है? रणवीर सिंह टाइप तो कुछ भी बोलते हैं वो लोग। हाँ यानी फटाफट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स, सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड, अरे नहीं आ रहा, विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स विद फ्रीडम ऑफ, ठीक है क्या? ये लोग आपस में किस चीज को लड़ते हैं? हमारा ज्यादा बेटर है। ये प्राइस कंपटीशन नहीं करते, ये नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। क्या करते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन। इसमें अच्छा, नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं मतलब प्राइस नहीं करते। किस चीज से लड़ते हैं?
क्वालिटी से, फैसिलिटी से, टाइप से, इन सबसे बोलो हाँ नहीं। तो अगर इस सबसे लड़ना है तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा आपको, बोलो हाँ नहीं। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, विथ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, क्या बोलते हैं इस पे, हाई सेलिंग कॉस्ट, हाई सेलिंग कॉस्ट। और क्या होता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, और क्या होता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। कंज्यूमर्स के पास प्रेफरेंस रहता है कि उसको टूथपेस्ट में नमक चाहिए कि लौंग चाहिए कि हल्दी मिर्ची चाहिए, कि बस हमारी है, जिसको जो पसंद आता है वो खरीदता है ना। पतंजलि बोलता हमारा सबसे शुद्ध है, हमने कुछ नहीं मिलाया। The products are similar but sell slightly differentiated products. Now consumers have the preference choosing product over the market. The seller can also change marginally higher price since they may enjoy some market power. So the sellers become the price setters to a certain extent. Ek bar read kar lo monopolistic. हो गया देन। तो क्या था मोनोपोलिस्टिक में, बताओ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इनके गुड्स आपस में कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड, कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड। देयर इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन एंड विथ हाई सेलिंग कॉस्ट, विथ हाई सेलिंग कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा आगे पूछू, अच्छा इसमें प्राइस कौन तय करता हो, सब लोग अपना तय करते हैं। कोलगेट अपना दाम रख सकता है, पेप्सोडेंट अपना दाम रख सकता है, सब लोग अपना अपना, साबुन लाइफ बॉय अपना दाम रखेगा, डिटोल अपना दाम रखेगा, सब लोग अपना अपना दाम रख सकते। तो ये लोग प्राइस टेकर होंगे कि प्राइस मेकर होंगे, क्या होंगे, लेकिन ये फिर भी फुल कंट्रोल नहीं है इनके पास। अब मान के चलो लाइफ बॉय 40 रुपए का साबुन बिक रहा है, तो क्या डिटोल बोल देगा मैं 85 रुपए में बेचूंगा, वो तुम 40 में बेच रहे हो तो ये 45 में बेच लेगा, 50 में बेच लेगा या 35 में बेच लेगा। पर कहीं ना कहीं इसको अपने आप को कंपटीशन के अंदर रखना पड़ेगा। क्या एकदम मनमर्जी चल सकता है क्या, 150 रुपए का साबुन बाकी सब 50 रुपए के बिक रहे हैं, ऐसा कर सकता है क्या, नहीं। तो इनके पास ये पूरी तरीके से प्राइस मेकर नहीं है, इनके पास कंट्रोल है प्राइस का, पर ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से बंधे हुए हैं। तो मोनोपोलिस्टिक में एक चीज और क्या होती है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइस, क्या होती है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइस। सॉरी फिर से थोड़ा जोर के, ऐसे लग्जरी गुड्स में किस गुड की बात कर रहे हो, हमको ये देख रहा हूं। हाई प्राइस में, अभी इसका अगला आएगा, मैं एक अगला पॉइंट बता दूं उसके बाद इसका डाउट ले लूंगा, ठीक है, तो मुझको समझ में जाएगा। तीसरा होता है मोनोपोली, तीसरा क्या होता है, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्या है क्या, सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इनके पास क्या है, एकदम फ्रीडम है, ये अकेला राजा। इसका एग्जांपल दे सकते हो मोनोपोली का, एक ही सेलर है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो कंपटीशन, बता सकते हो क्या। अबे पेट्रोल में अलग अलग होते हैं, इंडियन ऑयल होता है और फिर कौन सा भारत पेट्रोलियम होता है, फिर रिलायंस के बीच के पेट्रोल पंप अलग अलग हैं, जियो में एयरटेल है, वीआई है, क्रिएट कर दी थी
कुछ काइंड ऑफ बोल सकते हैं, आगे चल के पढ़ाऊंगा अभी, मेन एक एग्जाम्पल से कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। इंडियन रेलवे, रेलवे, रेलवे का कोई कॉम्पिटिशन है? अपनी पटरी बिछा सकते हो? बोले नहीं चलाने तुम्हारे, हम अपनी पटरी बिछाएंगे। देखो फ्लाइट में कॉम्पिटिशन है कि इंडिगो भी है तो स्पाइस जेट भी है, हम इंडिगो में नहीं जा रहे तो हम स्पाइस जेट में जा रहे, स्पाइस जेट में नहीं जा रहे तो उसमें जा रहे, तो उसमें जा रहे, एयर इंडिया में जा रहे, 25 चीजें हैं। लेकिन मुझे बताओ क्या उसमें है कुछ ऑप्शन तुम्हारे पास? क्या कहते हैं कि नहीं हम रेलवे से नहीं जाएंगे, इंडियन रेलवे से नहीं जाएंगे, है ना, हम अपनी पटरी बिछाएंगे, कर सकते हो क्या? नहीं। तो सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बाइक्स, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट, इंपॉर्टेंट बात है, क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट, मोनोपोली है ही क्यों? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट है मतलब कोई और इसमें एंटर कर सकता नहीं है, कोई आपको कॉम्पिटिशन बन सकता नहीं है, इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल है बनना। हाँ यानी बोलो, जैसे रेलवे में तो आप कर ही नहीं सकते खुद की, जब तक आपको सरकार दे नहीं रही परमिशन तब तक कहां से, ना मैं यहां से रांची पटरी ट्रेन में अपनी पटरी बिछा दूं, बोलूं ट्रेन से जाऊंगा आऊंगा लफड़ा खत्म, गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या? नहीं। तो सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायस, सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायस, ठीक है क्या? रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जिट, फिर क्या होगा? सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायस, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जिट, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, ये कहेंगे प्राइस मेकर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? प्राइस मेकर। हाँ यानी फटाफट बोलो, नहीं आया? अब मुझे बताओ मोनोपोली क्रिएट कैसे की जा सकती है? देखो मोनोपोली बनना है, कैसे बन सकता हूं मोनोपोली? रेलवे मोनोपोली क्यों है? सबसे पहले तो सरकारी तरफ से ही परमिशन नहीं है कुछ और खोलने की, बोलो आया नहीं कोई और अपनी रेलवे चला। पहली चीज क्या है? गवर्नमेंट से ही रोक टोक है, लाइसेंस ही नहीं है किसी के पास वो काम करने का, तो मोनोपोली बनती है। हाँ यानी फटाफट बोलो, और क्या तरीका मोनोपोली बनाने का? जो तुमने बोला था जियो, तुम मार्केट के इतने बड़े प्लेयर बन जाओ, तुम मार्केट के क्या बन जाओ? इतने बड़े प्लेयर की तुम्हारे आसपास कोई एग्जिस्ट ही ना करे। अगर तुम उतने बड़े प्लेयर बन पा रहे हो तुम क्या कहलाओगे? मोनोपोली। नहीं बन पा रहे तो क्या कहलाओगे? मोनोपोलिस्टिक। क्या कहलाओगे? मोनोपोलिस्टिक। जो तुमने चॉकलेट का एग्जांपल दिया, अगर परेडो चॉकलेट इतना फेमस हो जाए कि मोनोपोली सिंगल सेलर, उसका कोई कंपटीशन आसपास में है ही नहीं। एप्पल एक टाइम पे हो गए थे, कोई कंपटीशन है ही नहीं महंगे फोनों में, प्रीमियम फोन में। आज भी अगर किसी को प्रीमियम फोन खरीदना है तो 80% जनता अगर कोई प्रीमियम फोन खरीदना चाहती है तो वो क्या खरीदती है? आईफोन ही खरीदती है ना। कोई 1.5 लाख रुपए का सैमसंग खरीदने कुछ लोग खरीद लेते हैं, पर मेजर क्या है उनकी? मोनोपोली एक तरीके से है। तो आप सिंगल सेलर हो और कोई है ही नहीं, दूसरा हो, दूसरे हैं लेकिन तुम्हारे सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम इतने बड़े राजा बन गए हो, तुम इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हो, मार्केट में तुम्हारी ही चलती है, तुम जो ट्रेंड सेट कर दो वो हो जाता है। आईफोन ने 2 कैमरा लगाए, पूरी दुनिया ने 2 कैमरे निकालने चालू कर दिए, 3 कैमरे लगाए, पूरी दुनिया ने 3 कैमरे निकालने चालू कर दिए, अब लोग कॉम्पिटिशन में 6-6 कैमरे लगा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? उनने सबसे पहले फेस आईडी लाई, सारे फोनों में फेस आईडी लगी, उनने पहले फिंगरप्रिंट सेंसर लाया, सब में फिंगरप्रिंट सेंसर आया। क्या बात समझ? ट्रेंड सेटर है, मोनोपोली जो हम करेंगे वो मार्केट फॉलो करेगा, ऐसी भी मोनोपोली होती है। हाँ यानी फटाफट, अभी आगे डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है क्या? तो क्या बोला मोनोपोली में? ना मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट, देयर इज ओनली वन सेलर, सो अ सिंगल फर्म विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट, इट कैन सेट द प्राइस, इनको बोलते हैं प्राइस मेकर, इनको क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर। इट हैज द मार्केट पावर, कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव एंड मस्ट पे द प्राइस सेट बाय द सेलर। मोनोपोलीज आर एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल, मोनोपोली देश में नहीं होनी चाहिए, है ना? हमारी अगर कभी मोनोपोली होगी तो क्या होगी? कंपटीशन खत्म हो जाएगा, अपनी मर्जी का राज चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? आज जियो मान के चलो सबसे सस्ता करके पूरे मार्केट को खत्म कर दे, सारी कंपनियां बंद हो जाए, उसका महंगा बेचेगा कोई क्या कर लेगा? क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए मोनोपोली मार्केट में नहीं होनी चाहिए। कॉम्पिटिशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इज द नेचर ऑफ मार्केट, अगर कॉम्पिटिशन नहीं है तो मार्केट ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? अरे रियलिटी मोनोपोली बहुत आसानी से बना पाना मुश्किल है। हाँ या नहीं? आया कि नहीं आया? अगला क्या है? ओलिगोपोली। क्या है ओलिगोपोली? क्या होता है ओलिगोपोली? क्या होता है? फ्यू सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्या क्या? फ्यू सेलर्स, वन सेलर नहीं, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स Having tough competition, आपस में एकदम गला काट कॉम्पिटिशन, कटथ्रोट कॉम्पिटिशन उनके बीच में चल रहा है, जान की बाजी लगाए बैठे एक दूसरे की ऐसी तैसी करने में एकदम पड़े हुए हैं, वो कौन सा कॉम्पिटिशन कहलाता है? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कौन सा कॉम्पिटिशन कहलाता है? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। एग्जाम्पल दे सकते हो? टेलीकॉम, जियो, एयरटेल लगे हुए आपस में, एकदम दो ही बच्चे मेनली, वी आई तो बस बेचारा लटक रहा है वहां, लेकिन बच्चा कौन है बेटा? बीएसएनएल तो एकदम वेंटिलेटर में, वो भी क्या बात समझ में आ रही है? तो बचा कौन कौन है? सिर्फ जियो और
तो जियो और एयरटेल आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, एकदम गला काट कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तुम ये दोगे हम ये देंगे, हम देंगे तुम वो दोगे। फ्यू सेलर ला नंबर ऑफ बायर्स हैविंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हाई सेलिंग कॉस्ट। अब इन लोग भी प्राइस में नहीं लड़ते, इन लोग सस्ता, सबके प्लान देखो सबके सेम है, बेटर नेटवर्क एबिलिटी, क्या बोलते हैं बेटर ये बेटर वो, साथ में हमारे से एक काम करो नेटफ्लिक्स भी ले लो फ्री में, अमेजोन भी ले लो फ्री में, एक काम करो हमसे जियो ले लो फ्री में, अरे सॉरी जियो नहीं बाकी सारी चीजें ले लो फ्री में। हाँ या नहीं? अब जियो ने आईपीएल का पूरा स्पॉन्सरशिप ली और क्या बोल दिया, सारी सिमों में फ्री। एयरटेल वाला भी बैठ के जियो से नहीं मई देख रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है क्या? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैविंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, उसको बोलते हैं हम ओलिगोपोली। क्या बोलते हैं बेटा? ओलिगोपोली। हाँ यानी फटाफट बोलो, जिसमें तीन चार लोग होते जो डोमिनेंट होते हैं। मैं चाहता हूं आप ओलिगोपोली को और मोनोपोली को अच्छे से रीड करें। अच्छा एक और बता देता हूं, तीसरा क्या है? डुओपोली। डुओपोली यानी टू सेलर्स, यानी टू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। अभी आप वीआई को खत्म नहीं कर सकते, अगर वीआई बंद हो जाए तो टेलीकॉम मार्केट क्या हो जाएगा? डुओपोली, दो सेलर्स होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? या कई बार क्या होता है, एक सरकार होता है और एक प्राइवेट होती है, ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है क्या? तो डुओपोली क्या होता है? दो सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ओलिगोपोली क्या होता है? फ्यू सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पहले ओलिगोपोली और मोनोपोली रीड करो, फिर उसके बाद डुओपोली रीड करना, जल्दी करो।